हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका जब कोई आवेशित कण, कैसा कण हो, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा गति करे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समांतर गति करे जब आवेशित कण, और जब कण लंबवत गति करता है तब वो कैसा होता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे जब तिरछा गति करे। तो मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कोई भी आवेशित कण है, जब क्या कर रहा था, समांतर गति कर रहा था, जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक वेग आवेशित कण का वेग क्या था, समांतर गति कर रहा था, तब थीटा क्या था। भाई जब समांतर गति करेगा तो उसमें कोई भी थीटा होगा ही नहीं, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, और लगने भाई बल भी नहीं कार्य करेगा। जब समांतर गति करेगा कण भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो उसमें थीटा क्या होगा, 0 होगा, और बल भी कार्य नहीं करेगा। तो बल क्या होगा, बल एफ बी 0 हो जाएगा। लेकिन जब लंबवत गति करे, जब लंबवत गति करता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जब कण लंबवत गति करता है तो उसमें क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ठीक, तो उसमें बल कार्य करता है, बल का कुछ मान होता है। लेकिन जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, तिरछा गति करता है, यानी फ्री होके तिरछा गति करता है, तो वो क्या होता है, अपने वियोजकों में टूट जाता है, अपने घटकों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो वियोजित कैसे होगा, वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, समांतर घटक है, समांतर घटक होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0, लंबवत घटक होगा तो साइन थीटा यानी साइन 90 अंश। तो घटक आप कैसे पहचानेंगे कौन समांतर कौन लंबवत। ठीक, तो आप जानते हैं जब भाई समांतर में थीटा 0 होता है तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। ठीक, तो वो कैसा हुआ भाई, लंबवत घटक हो गया वी साइन थीटा, और वी कॉस थीटा क्या हो गया, समांतर घटक। क्लियर हो गया। ठीक, तो आप जानते हैं कि क्या हुआ, जो आवेशित कण था वो अपने अपने घटकों में वियोजित हो गया। जब कोई आवेशित कण होता है चुंबकीय क्षेत्र में फ्री होकर गति करता है तो उसमें कुछ ना कुछ बल कार्य करता है, वो बल कौन सा होता है, लारेंज बल होता है। ठीक, जब लेकिन अपने घटकों में टूट जाएगा तो आप जानते हैं आवेशित कण क्या होता है, जब अपने घटकों में टूटता है तो वो परवलय की आकृति देता है। कोई भी आवेशित कण जब अपने घटकों में वियोजित होता है तो परवलय की आकृति देता है। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भाई अपने घटकों में वियोजित होता है तो वो परवलय की आकृति देता है। ठीक, तो चलिए हम पहले इनके सिंबल कर लेते हैं कि कौन सा लंबवत घटक है, कौन सा समांतर घटक है। तो देख सकते हैं आप, वी कॉस थीटा समांतर घटक है, वी साइन थीटा लंबवत घटक है, और जो कण है वी वेग से गतिमान है, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो है थीटा। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लेते कि जो समांतर घटक है, यानी कि आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू समांतर, समांतर का सिंबल ये दो खड़ी लाइनें यानी 11 का आकार जो है वो समांतर घटक। ठीक, और समांतर घटक हमने क्या बताया, V cos थीटा आपका क्या है, समांतर घटक। कहीं कहीं पे कभी कभी दे देता है समांतर घटक को, इस सिंबल से आपको पहचानना होता है, तो सिंबल अच्छे से पहचानिए। तो लंबवत घटक को हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का जैसे कोण बनाते हैं, ये लंबवत घटक हो गया V sin थीटा। समझ गए, सिंबल पहचानिए क्योंकि आगे डेरिवेशन में इनका यूज होने वाला है। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं, ये हो गए लंबवत और समांतर घटक, ये हो गए लंबवत और समांतर घटक की बात। लेकिन जब कोई भाई बात हो रही है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में फ्री गति करता है यानी स्वतंत्र गति करता है तो अपने क्या होता है, घटकों में वियोजित हो जाता है। तो जो कण का घटक है यानी समांतर घटक, उस पर जो पथ बनता है वो कैसा होता है, रेखीय होता है। उस पर जो पथ बनता है वो रेखीय होता है जब समांतर घटक होता है। लेकिन जब लंबवत घटक होता है तो वो कण क्या करता है, वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, गोल गोल घूमते हुए। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही कि आवेशित कण कैसा कर रहा है, तिरछा गति, ऐसे ऐसे घूम घूम के गति कर रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र होकर गति करता है तो अपने घटकों में वियोजित हो जाता है, तो कण का जो समांतर घटक है वो रेखीय पथ पर गति करता है, तथा जो लंबवत घटक है वो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उनको क्या करता है, आपका कण विवश करता है। तो त्रिज्या आपने देखी थी, जब लंबवत घटक हमने निकाला था तो उसमें त्रिज्या क्या निकल के आई थी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये कहाँ से आई थी भाई, जो आपका कण पर वेग लग रहा था, कण पर जो बल लग रहा था वो लारेंज बल था। लेकिन जब वृत्ती, जब कोई कण वृत्ती गति करता है भाई, जब लंबवत होगा, लंबवत घटक क्या कर रहा है, वृत्ती गति करता है, तो वृत्ती गति के लिए अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो जब दोनों की तुलना कराएंगे तो वहां से आपकी त्रिज्या
आई थी आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम बी लंबवत घटक, लंबवत घटक आपका कौन सा है, वी साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू बी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू भाई उस साइड चला जाएगा। ठीक, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी क्या हो जाएगा भाई, लंबवत घटक को किससे देख सकते हैं आप, वी साइन थीटा था। ठीक, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब बात करें आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल जब लंबवत घटक हमने निकाला था तब क्या आया था, टी इज इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी। क्या आया था आवर्तकाल, टी इज इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी। अब ये टू पाई एम कहाँ से आया था, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है, टू पाई आर, और हमने क्या किया था, आर की वैल्यू रख दी थी तो मान आया था। तो आप जानते हैं भाई ये कण कैसे कर रहा है, तिरछी गति कर रहा है। तो जब कोई कण एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी चलता है, जितनी दूरी तय करता है एक चक्कर पूरा करने में, भाई वृत्ति गति अगर जब कण करता है तो एक चक्कर पूरा करने में जितनी वो दूरी तय करता है, एक भाई वृत्त की परिधि होती है टू पाई आर, यानी कि अगर कोई कण टू पाई आर दूरी तय कर ले तो उसे हम क्या कहते हैं, पथ की पिच। जितना उसने दूरी तय की है करने, एक चक्कर पूरा करने में उस गोले का, उसे हम कहते हैं पथ की पिच। तो पिच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी समांतर घटक, सिंबल देख सकते हैं आप समांतर घटक का है। तो पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समांतर घटक इंटू आवर्तकाल। आवर्तकाल अभी हमने निकाल के आपको देखा, आपने सूत्र देखा था आवर्तकाल का, क्या था आवर्तकाल का सूत्र, टू पाई एम अपॉन क्यू बी, और समांतर घटक तो आप जानते ही, वी कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, पिच को हम पी से डिनोट करते हैं, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा टू पाई एम अपॉन क्यू बी। ये किसके लिए फॉर्मूला आ चुका है, पथ की पिच के लिए फॉर्मूला क्या आया, पी इज इक्वल टू वी कॉस थीटा टू पाई एम अपॉन क्यू बी। ये क्या निकल के आया, पथ की पिच। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जब कण तिरछी गति करता है समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।